बोरेवाला में मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शबीर अहमद हाशमी की जेर सदारत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन राणा जियाउल्लाह, सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मलिक रजा अवान, सऊद मुख्तार, राणा असदुल्ला, राणा अहमद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में पेफ के बजट बढ़ाने के मुतालबे को जेर बहस लाया गया और कोरोना के बायस प्राइवेट स्कूल्स की माली मावनत के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। आज के इजलास के हवाले से जो हमारे इश्यूज हैं पेफ स्कूल, बीमा स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के उस हवाले से तफसीली मुशावरत हुई है और उसी हवाले से जो आज फैसला हुआ है, हम पुरजोर मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि पेफ स्कूल का जो सालाना बजट है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि 6 साल से जो माना फीस 550 रुपये थी उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। जब मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आप फीस में इजाफा तब होगा जब गवर्नमेंट बजट बढ़ाएगी। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो पेफ का बजट है उसको इंक्रीज़ किया जाए ताकि फीस में इजाफा हो, और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल्स के इश्यूज़ हैं स्टेक होल्डर को बिठाकर उनकी मशावरत के साथ पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि जो एजुकेशन की तबाही हुई है, नई न्यू जनरेशन की तबाही हुई है, उससे बच सकें। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने हुकूमत से स्टेक होल्डर से मिलकर पॉलिसीज बनाने और रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया।